ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा हमने संगत को एक चिट्ठी दी थी, एक लेटर दिया था कि 17 तारीख को 11 बजे एतवार जो सेंट्रल गुरुद्वारा है जो मीटिंग रखी है वो कल उस समय संगत हुम हमा के पहुँचे और वहाँ पर बैठ करके अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको हमने तय करना है। और एक इस इजलास में हमने जो हमारे गुरुद्वारा के जो आगे के आने वाले चोन है उसके ऊपर विचार चर्चा करनी है और उसके लिए हम लोग सारे इतने आज इस प्रेस काउंटर में बैठे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है कि पता नहीं कुछ लोग बाहर से आए हैं वो आके इस गुरुद्वारे पे कब्जा करेंगे या DGPC के मेंबर इस गुरुद्वारे पे कब्जा करेंगे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि DGPC के वो मेंबर इन्हीं संगतों ने चुने हुए हैं, इन्हीं के वो मेंबर हैं जिन्होंने हमें चुन के भेजा है और इन्हीं गुरुद्वारों की सेवा और संभाल के लिए भेजा है, संगतों के ये सारे मसले हल करने के लिए हमें भेजा है। तो हम बड़ी ही निष्ठा बड़ी ईमानदारी के साथ जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए हम पूरे तौर तरीके से बढ़िया तरीके से इस प्रबंध को चलाने का यत्न करें। 21 को संगत आएगी, कल संगत के साथ बैठ के हमारी विचारें होंगी। बहुत सारी बहुत बड़ी संगत जो है कल वो आरसपुरा पहुंच रही है और वहाँ पर बैठ करके हम संगत से सारी परवानगी लेंगे। बैठ के जो बातें वहाँ पे होंगी उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये फिर आपके साथ ये विचार शेयर करें। ये चुनाव नहीं था, ये चुनाव के लिए हमने एक मीटिंग रखी थी, ये चुनाव की हमने कोई तिथि तय नहीं की, ये उसके लिए हमने एक मीटिंग रखी है कि भाई अपना जो आने वाला समय है उसमें हमने चुनाव करना है या सिलेक्शन करनी है। वहाँ पे बैठ के संगत एक बहुत बड़े रूप इकट्ठ के रूप में कल आ रही है और वहाँ पर आके संगत वो अपना फैसला खुद करेगी। सर एक ये जो बिल्कुल एक ग्रुप में है, एक ही प्लेटफॉर्म पे है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो कल चिट्ठी की बात की जा रही थी उसमें ये बताया जा रहा था बार बार कि ये लोग अनजान लोग हैं जिन्होंने किया है, ये लोगों की आइडेंटिटी नहीं है कोई। सो जो लोग जे कुछ करना कोशिश कर रहे हैं, संगत जो है पूरी एकजुट है, एक रूप है, कोई इसमें गुटबाजी नहीं है। तो मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जो झूठ मूठ की बातें की जा रही हैं उन लोगों से कि आपका सेंटर खुस जाएगा, आपका सेंटर पर कोई कब्जा कर लेगा, तो ये सारी झूठी चीज़ें हैं। आप अपने आने वाले फ्यूचर को देखो, पंथ की एकता को देखो, कौम की एकता को देखो और इकट्ठे होके, ये मैसेज है मेरी तरफ से, इकट्ठे होके हमने सारे भारत बरादरी के कार्य करने हैं। इसमें अगर कोई बंदा इसमें बिघन डालेगा तो हम उससे भी बात करेंगे, उसको भी पूछेंगे भाई आप क्यों बरादरी के कामों को क्यों ख़राब करना चाहते हो।